स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, नेक्स्ट वीडियो आपका, आप लोगों ने मेरा देखा होगा जो मैंने अपलोड किया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट टू. वो मैंने आपको पीपीटी, एज ए पीपीटी बनाकर उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी थी और पॉइंट्स इतने ज़्यादा थे कि अपन एक एक पॉइंट की अलग अलग यहाँ पर मैं लिखती, फिर आपको एक्सप्लेन करती, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और आप लोगों मतलब प्रॉपर वे में नोट्स भी नहीं बना पाते. इसीलिए मैंने उसको पीपीटी में बनाकर आपको एक्सप्लेन किया था, जिससे आप एज इट इज नोट्स को नोट डाउन कर सकें. टुडे वी विल स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट थ्री. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. ये मैं सेम एज इट इज़ जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेम उन्हीं को लेकर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. उनके अलावा मैं जो भी एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो मैं आपको यहाँ तुरंत उसको आपको बताती जाऊँगी कि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है. बट जो हेडिंग्स हैं वो पूरी मैं एनसीईआरटी की फॉलो कर रही हूँ, और जो जितना डिटेल में है वो अपन भले यहाँ पर एनसीईआरटी रीड नहीं कर पा रहे, बट उनमें जो भी इम्पोर्टेंट है उन हेडिंग्स में वो मैं यहाँ पूरा बता दूंगी और आप रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा. इज इट क्लियर? सो वेरी फर्स्ट वी विल टेक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में सब जो मेंडल सर हैं उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया. सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स ओनली वन कैरेक्टर्स को लेकर जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, इट मीन्स वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो से ही नाम पता चल रहा है, मोनोहाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड है. अपन लास्ट जो पार्ट टू है उसमें भी थोड़ा सा मैंने हल्का टच कर लिया था आपको इसके लिए. तो आ जाता है यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इट इज़ अ क्रॉस मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज कंसिडरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ सिंगल ट्रेड्स. मतलब जो सिंगल ट्रेड्स को लेकर इन्होंने इसमें क्रॉस कराया था, इसका कंक्लूजन ये है. अब नेक्स्ट आता है अपना यहाँ जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जितने भी यहाँ पर लॉज आ रहे हैं वो अपन सबसे पहले ले लेंगे. तो सबसे पहले मेंडल्स गिवन थ्री रिजल्ट बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. जो मेंडल सर हैं उन्होंने थ्री लॉज लिए थे, किसके बेस पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर. सो फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर. ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट ये लाइन दी हुई है, इसको एक्सप्लेन जरूर किया है मेंडलसन ने, बट इसको लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स के नाम से नहीं दिया है उन्होंने, इसको एक्सप्लेन कर दिया है बस सिंपली. लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कैपिटल टी, अपन किसको इंडिकेट करता है? टॉल प्लांट को, और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ प्लांट को. इज इट क्लियर? सो टॉल प्लांट में आप, मैं चाहती तो ऐसे भी लिख देती सिंपल टी टी और इनको क्रॉस करा देती, बट नहीं, उन्होंने कहा कि जो एलील हैं वो पेयर में ही होना चाहिए. ठीक है ना, तो एलील पेयर में ही होना चाहिए, इसीलिए जो यूनिट लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर दिया, जिसमें अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी इस तरह से ही लेंगे, तभी तो इनका गैमेट फॉर्मेशन होगा, तभी अपन इनमें क्रॉस कराएंगे. ओके, ये हो गया आपका यूनिट लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर. नेक्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तो आप लोगों ने टेंथ में भी पढ़ा है, हल्का सा तो टच किया ही होगा टेंथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दिस लॉ एक्सप्रेस ऑफ ओनली वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द पेरेंटल ट्रेड्स इन द एफ वन हाइब्रिड एंड बोथ द फॉर्म्स इन द एफ टू जनरेशन. अब ये इसमें क्या कह रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि जो मतलब वन वन कैरेक्टर को लेकर अपन यहाँ क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसमें क्या है जो एक्सप्रेस हो रहे हैं फैक्टर इस लॉ में, तो मेंडल सर का कहना है जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस या शो कर पाएगा, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को शो इंडिपेंडेंटली मतलब नहीं कर पाएगा इसमें. ठीक है ना, तो जैसे कि हेटरोजाइगस है, हेटरोजाइगस के अंदर जो एफ वन जनरेशन आती है, अपन ने इसमें थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो कैपिटल टी अपन ने यहाँ टॉल प्लांट लिया है ना, यहाँ पर इसके साथ ड्रॉप प्लांट स्मॉल टी का ले लिया. सो अपन ने यहाँ पर क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन हुआ टी
टी, स्मॉल टी, ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन। फिर अपन ने इनको क्रॉस कराया तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये 100% टॉल प्लांट रिजल्ट्स क्या आया, 100% टॉल प्लांट। ये तो हो गई एफ वन जनरेशन। ओके, अब इस एफ वन जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग्स को उन्होंने वापस से सेल्फिंग करवाई। यहाँ पर देखिए, इनमें वापस से सेल्फिंग कराई तो इस सेल्फिंग में अपने को रिजल्ट मिला। या मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, सेम यही प्रोसेस होगा। आप पहले गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, इसके बाद फिर क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस होगा तो उसमें रिजल्ट आएंगे अपने, कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, फिर थर्ड आएगा अपना रिजल्ट एक, कैपिटल टी स्मॉल टी। इट मीन्स इसमें तीन तो टॉल प्लांट हैं अपने पास और एक प्योर जो है वो ड्वार्फ प्लांट है। अब ये अपने को दिख रहा है यहाँ पर, मेंडल सर को ये कुछ भी नहीं मालूम, उनको तो ये मालूम है कि 100% टॉल प्लांट आया है एफ वन जनरेशन में। ये तो अपन जीनोटाइपिक अपन देख रहे हैं, जो फिजिकल अपियरेंस हुआ था उस टाइम पर मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट में वो तो यही था कि एफ वन जनरेशन में 100% टॉल प्लांट, एफ टू जनरेशन में जब अपन एफ वन जनरेशन को जब के ऑफ स्प्रिंग्स को लेकर वापस से सेल्फ क्रॉस कराया तो तीन टॉल प्लांट मिले और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। ये फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर ये रिजल्ट्स निकाले थे मेंडल सर ने। ये तो अपने को दिख रहा है कि ये प्योर है ये इम्प्योर है, इज इट क्लियर। सो डोमिनेंट का ये अपन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने आपको कि डोमिनेंट कैरेक्टर में वही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है जो ओनली, नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि डोमिनेंट मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो कर पाता है, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता, इज इट क्लियर। और इनका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो एफ वन जनरेशन के बेस पर है। नेक्स्ट अब इनका लॉ है कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मैं यहाँ पर लूँगी, ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंट है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट और को डोमिनेंस है। ये थोड़े से अपन जब ये समझ लेंगे ना पूरा तब अपने को ये इजीली आ जाएंगे, इसलिए दोनों मैं आपको इसके बाद लूँगी। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स द मेंबर्स ऑफ द एलिलिक pairs of a trait that remained together in the parents segregate and separate during gamete formation and only one of the factor enters a gamete। मतलब इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ कि सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट करना। इसका एक और नेम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों है ये नेम, क्योंकि इसमें जब गैमेट जिस टाइम पर अपन ये क्रॉस कराते हैं ना तो अपन ने, आपने यहाँ पर देखा है गैमेट फॉर्मेशन किया है ना, गैमेटोजेनेसिस हुआ, ये यहाँ पर भी दिखाया है मैंने आपको, यहाँ पर भी देख सकते हैं और जहाँ आपको क्लियर दिख जाए, ये गैमेटोजेनेसिस कराया अपन ने। तो ये गैमेटोजेनेसिस हुआ तो इसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये गैमेट बने हैं जो, वो प्योर गैमेट हैं। ऐसा नहीं है कि होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस, होमोजाइगस होंगे तो वो तो प्योर ही होंगे बट हेटरोजाइगस होते जैसे ये अपने को रिजल्ट दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है, हेटरोजाइगस है तो इम्प्योर हो जाएगा। बट जब गैमेट बनते हैं, जब भी चाहे वो ये कैपिटल टी स्मॉल टी से बने चाहे वो प्योर टॉल प्लांट या ड्वार्फ प्लांट से बने, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा बाय गैमेटोजेनेसिस तो जो गैमेट्स बनेंगे वो प्योर ही बनेंगे। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो यही कह रहा है। यहाँ पर देखो मैंने और थ्योरी लिख रखी है आपको, एज ए रिजल्ट द गैमेट्स आर प्योर फॉर अ कैरेक्टर हैव ओनली वन ऑफ द एलील्स, है ना, ये एलील्स सेपरेट सेपरेट कर देते ना, टू एलील्स को लेकर चलते हैं अपन यहाँ पर,
वो सेपरेट सेपरेट एलील्स हो जाएगी, तो वन वन एलील हो जाएगी, वन वन एलील में वन कैरेक्टर पर, वन गैमेट में ओनली वन कैरेक्टर ही होंगे, ऐसे मिक्स कैरेक्टर नहीं होंगे उसमें। इसीलिए इस लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेकेंड दिया है इसमें, अ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स। होमोजाइगस कौन से होते हैं, जिनमें ये आप देख रहे हो कैपिटल टी कैपिटल टी, ये कैसे गैमेट्स हुए होमोजाइगस, और ये जो देख रहे हैं अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे हुए गैमेट्स हेटरोजाइगस। तो जो इसमें दिया है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स वाइल हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स या हाइब्रिड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे इसमें, जब अपन एफ टू जनरेशन में इन ऑफ स्प्रिंग्स को लेकर सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो इसमें आप देखो टू टाइप्स के गैमेट बनेंगे। इस वाली को अपन आगे गैमेट फॉर्मेशन करेंगे ना, तो एक कैपिटल टी का आएगा, एक स्मॉल टी का आएगा, तो इट मीन्स टू टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें। इज इट क्लियर? ये हो गया अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को वैसे तो यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। इट क्लियर? अब आते हैं अपन कहाँ पर, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंट। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस अपन ने यहाँ पर देखा, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के टू एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। फर्स्ट वी विल टेक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हेन Neither of the two alleles of a gene is completely dominant over the other. This phenomena is called incomplete dominance. ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर incomplete dominance के लिए, कि जो incomplete dominance means, अभी तक तो अपन ने law of dominance में अपन ने ये यहाँ पर पढ़ा था कि मेंडल्स ने बताया था कि इनमें F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट कई कैरेक्टर अपीयर्ड होता है, फिर F2 जनरेशन में जब जो ऑफस्प्रिंग्स आई हैं उनको सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के ही जो कैरेक्टर हैं वो अपीयर्ड हो जाते हैं विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी ब्लेंडिंग। इज इट क्लियर? बट जब इनके एक्सेप्शन में अपन ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इसने इन्होंने ये शो किया कि दो कैरेक्टर अपन ने लिए इसके, तो इनमें ब्लेंडिंग हो जाती है और एक तीसरा कैरेक्टर ही आ जाता है उसमें। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, अपन ने यहाँ पर फ्लावर के कलर कंट्रास्ट को लेकर यहाँ पर अपन क्रॉस करवाएंगे, जिससे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को प्रूव करेंगे। तो उसमें अपन ने यहाँ पर लिया रेड फ्लावर, इज कैपिटल आर, एंड वाइट फ्लावर को कोड किया अपन ने इज स्मॉल आर। ओके, तो कैपिटल आर दैट इज रेड फ्लावर, एंड स्मॉल आर इज वाइट फ्लावर। ओके, अब अपन ने यहाँ किया गैमेट फॉर्मेशन, सेम वही प्रोसेस है आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का है। तो यहाँ पर ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया आपका, यहाँ पर कैपिटल आर ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो यहाँ पर भी गैमेट फॉर्मेशन ये हो गया। अब अपन ने इसमें क्रॉस कराया, तो पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने टॉल प्लांट का जैसे बताया था ना, जो हाइट को लेकर अपन ने कंट्रास्ट किया था पूरा, सेम वो ही आएगा, पर रिजल्ट भी वो ही आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यदि यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है, तो ये रिजल्ट आना चाहिए 100% रेड फ्लावर। इट क्लियर? बट नहीं आएगा ये 100% रेड फ्लावर, ये आएगा यहाँ पर एक तीसरा ही कलर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पिंक कलर। ये पिंक कलर यहाँ पर अपीयर हो गया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन कहते हैं अपन। समझ में आ गई ना ये बात? क्योंकि अभी तक तो मेंडल सर यही बोल रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में पेरेंट का एक कैरेक्टर अपीयर होगा, ओनली वन कैरेक्टर की अपीयरेंस होगी, और F2 जनरेशन में बोथ पेरेंट्स की अपीयरेंस हो जाएगी, है ना, सेपरेट। बट जब इनके एक्सेप्शन और भी आगे रिजल्ट अपन ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो इसके एक्सेप्शनल केस भी आ गए। कौन से आ गए? कि जब उन्होंने रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ सेल्फ क्रॉस ये कराया,
क्रॉस फर्टिलाइज कराया इसको, तो इसमें रेड की जगह पिंक कलर अपीयर हो गया। सो इनमें क्या हो गया, इट मीन्स जो इसमें जो कैरेक्टर्स की है वो ब्लेंडिंग हो गई है ना, तो ब्लेंडिंग की वजह से ये तीसरा ही कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। ओके, ये आपको क्लियर हो गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो वी विल टेक नेक्स्ट एक्सेप्शन, को डोमिनेंस। अब ये को डोमिनेंस क्या है, तो व्हेन टू एलील्स ऑफ अ जीन आर इक्वली डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर व्हेन दे आर टुगेदर। ठीक है ना, अब ये क्या कह रहा है, अभी तो यहाँ अपन ने पढ़ी थी ब्लेंडिंग होने पर तीसरा कैरेक्टर आ गया था, अब इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया। ये तो इसमें ये कह रहे हैं कि इट मीन्स को डोमिनेंस में दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है करियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया ए बी ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स आपने देखे होंगे ना, ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है, किसी किसी का ए और बी भी होता है, वो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी आप लोग एनसीईआरटी में उसकी टेबल दी हुई है वो आप लोग देख लीजिएगा है ना, तो उसके उसमें आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप है जैसे, तो उसमें ए को लिया और बी को लिया तो रिजल्ट आ गया ए और बी, दोनों ही अपीयर हो रहे हैं सेपरेट। तो अपना किसी किसी का आपने देखा होगा ना ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, ऐसे ही सेपरेट मतलब अपना अपना अपीयरेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें जो ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है और बी रिसेसिव है तो ए ही शो हो जाए बी रिसेसिव में ही रह जाए अपने आप को शो नहीं करे इसमें, या बी डोमिनेंट है और ए को मतलब नहीं अपीयर होने दे, ऐसा नहीं है। ये जो को डोमिनेंस है इसमें दोनों ही कैरेक्टर अपनी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं इसमें, इट मीन्स इसीलिए इसको को ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शनल केस माना जाता है। थर्ड, कोट कलर इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं या काउज होती हैं उनमें जो कलर होते हैं ना वो कई बार वाइट और ब्लैक स्पॉट वाली देखी होगी ना, तो वो दोनों ही कलर उसमें सेपरेट सेपरेट शो हो रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ इनमें को डोमिनेंस हो गया। इज इट क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन इनका नेक्स्ट लेते हैं, मतलब मैं इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को, क्योंकि ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही आ जाते हैं, तो आज अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है ना ये वाली अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मेंडल्स ने बैक क्रॉस ये चीज़, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपको कि बैक क्रॉस टू टाइप के होते हैं, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। अब एक चीज में अपन यहाँ लेते हैं, अपन ने देखा था कि टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट को अपन ने क्रॉस कराया तो अपने पास रिजल्ट आया था ये। अब इस F1 जनरेशन को ये जो आउट क्रॉस है वो ये कहता है कि F1 जनरेशन में अपन यदि के ऑफ स्प्रिंग्स को यदि डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर को लेकर यदि अपन क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तब भी यही आएगा अपने पास, तो ये दैट इज कॉल्ड आउट क्रॉस। और यदि सेम यही कंडीशन F1 ऑफ स्प्रिंग्स को रिसेसिव कैरेक्टर पेरेंटल कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं तब भी अपने पास रिजल्ट यही मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इज इट क्लियर, बट जो बैक क्रॉस है इसको क्यों कराया, बैक क्रॉस को इसलिए कराते हैं कि सबसे पहले तो फर्स्ट कैरेक्टर है कि जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो हैं वो इसके सेम आते हैं दोनों के बैक क्रॉस में, ठीक है ना, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो दोनों सेम आएंगे। अब इसमें जो होमोजाइगस हैं और हेटरोजाइगस हैं वो भी दोनों प्रेजेंट होंगे, और इसको पता करने के लिए कि प्रेजेंट है या नहीं इसी के लिए यहाँ पर बैक क्रॉस को कंडक्ट
कराया था इन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए कराया था कि अपने को ये जो मतलब उस टाइम पर उनको ये तो पता नहीं था ना कि जीनोटाइप क्या है, जीन्स उनने देखे ही नहीं थे, उनको तो जो फिजिकली अपीयरेंस आ रही थी उसके बेस पर वो एक्सपेरिमेंट प्रूव करते जा रहे थे। बट इस चीज़ को मतलब प्रूव करने के लिए कि जो जो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस जो पेरेंट हैं इसमें प्रेजेंट हैं या नहीं, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर बैक क्रॉस को कराया था। अब अपन थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस को और अच्छे से यहाँ पर ये देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है वॉयलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर का, ठीक है ना। तो वॉयलेट फ्लावर के लिए तो इसमें ले लिया डब्लू और वाइट फ्लावर के लिए लिया ये। इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर को पता है कि टेस्ट क्रॉस जब अपन यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो वॉयलेट कलर है उसको अपन ने कोड किया है कैपिटल डब्लू से, और जो स्मॉल डब्लू है उसको अपन ने कोड किया है वाइट कलर फ्लावर से। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर अपन फिर से वही गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे कि कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। ओके, फिर अपन ने इसको यहाँ पर जब क्रॉस कराया तो आ जाता है कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। ये आ गई फर्स्ट जनरेशन तो अपनी। अब इस फर्स्ट जनरेशन के लिए अभी दिख तो कैसा रहा है अपने को, कैसा दिख रहा है ये कैरेक्टर पूरे अपने को यहाँ पर कि ये F1 जनरेशन 100% किसकी मिली है अपने को, वॉयलेट की। अब इस ऑफ स्प्रिंग को अपन ने जब यहाँ ले लेती हूँ मैं और शॉर्ट में बता दूंगी आपको, ये अपन ने F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग ले ली और इसको अपन ने किसके साथ क्रॉस कराया, यहाँ या तो अपन डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस ले लेते हैं या हेटरोजाइगस ले लेते हैं, यहाँ अपन हेटरोजाइगस से करते हैं, ठीक है ना। तो हेटरोजाइगस तो अपन ने है ही अपने पास जो ऑफ स्प्रिंग है, और इसमें अपन ले लेंगे ये वाला जो रिसेसिव कैरेक्टर है वाइट इसको। तो यहाँ फिर से वही गैमेट फॉर्मेशन करें तो और फिर जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे देखिए। करूँ क्या पूरा, लाइए कर ही देते हैं अब थोड़ा सा तो है ही। डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू, इट क्लियर। अब यहाँ पर मैंने इसको वापस से सेल्फ क्रॉस कराया तो आ जाता है कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। मतलब जो रिजल्ट्स आए अपने पास 50-50% रिजल्ट्स आ गए। 50-50% रिजल्ट आया कैसे कि 50% तो वाइट के आ गए और 50% पर्पल के आ गए। यहाँ दिख रहा है ना अपने को, ये जो ये है ये कैसा है वाइट, ये कैसा है वाइट, ये कैसा है वॉयलेट, ये कैसा है वॉयलेट। तो इस मीन्स 50-50% रिजल्ट अपने को वाइट और पर्पल फ्लावर के आ गए। इट मीन्स क्या है, ये टेस्ट क्रॉस यहाँ पर अपन ने इसको प्रूव कर दिया कि टेस्ट क्रॉस में जब प्लांट का क्रॉस प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है तो 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाली जनरेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ओके, अब आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर आई थिंक पूरी समझ में आ गई होंगी कि अपन ने आज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेकर पूरा एक्सप्लेन किया था जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस ओनली वन कैरेक्टर्स के कंट्रास्ट को लेकर अपन ने यहाँ क्रॉस करवाया था। तो वन कैरेक्टर्स को लिया था तो उसमें कौन कौन से लॉज अपन ने पढ़े, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है, यूनिट फैक्टर मीन्स यूनिट्स में लिखना कैरेक्टर को, ऐसे सिंगल सिंगल ना लिख के
डबल उसमें लिखना है, ये बोलते दैट इज कॉल्ड यूनिट फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप लोगों ने पढ़ लिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करता। अब इसके जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि एक तीसरा ही कैरेक्टर पैदा हो जाता है, आप ऐसे याद रख लेंगे। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस ये सब मिक्स हो जाते हैं। जब अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये सब इतना ज़्यादा आपने स्टडी नहीं किया अभी जेनेटिक्स को। जब आप क्रॉस टेस्ट, क्रॉस और लिंकेज, सेक्स लिंकेज और क्रोमोजोमल थ्योरी ये सब पढ़ेंगे ना, ये सब मिक्स हो जाएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि ये कौन सा लॉ है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे ना कि जो तीसरा ही कैरेक्टर जिसमें आ जाता है दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि इसमें पिंक कलर आ गया है, ब्लेंडिंग हो गई है इसमें कैरेक्टर्स की। कोडोमिनेंस में दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं भी कम नहीं हूँ किसी से, वो कह रहा है मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, तो दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को शो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोडोमिनेशन डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब ये गैमेट्स को सेग्रीगेट करने का जो प्रोसेस है, सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे नॉन डिसजंक्शन करके एक मैंने कहीं पढ़ा था, आपकी बुक में तो नहीं है, वो इसका एक्सेप्शन है, जबकि इसको बोलते यूनिवर्सल लॉ है, बट फिर भी इसका एक एक्सेप्शन आ गया है यहाँ पर, ये आ गया आपको। अब इसके मैंने आपको यहाँ बता दिए थे कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे तो वन टाइप के गैमेट्स फॉर्मेट होंगे, और यदि टू टाइप के जो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे तो टू टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन। फिर अपन ने यहाँ पर इसी सीरीज़ में यहाँ पर बैक क्रॉस को भी ले लिया था। बैक क्रॉस में अपन ने पढ़ा था कि जो फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो है वो दोनों सेम आएंगे, चाहे वो जो F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग से, चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराएं, चाहे उसको रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस कराएंगे, बट जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रिजल्ट्स हैं वो दोनों के सेम आएंगे, दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको टेस्ट क्रॉस को भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि जब अपन ने वॉयलेट फ्लावर को और जो वाइट फ्लावर है उसको अपन ने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग्स को अपन ने किसके साथ क्रॉस कराया था, रिसेसिव पेरेंटल रिसेसिव कैरेक्टर था उसके साथ, जो रिसेसिव पेरेंट था उसके साथ क्रॉस कराया, तो जो अपने को F2 जनरेशन मिली वो 50-50% रिजल्ट्स लेकर आई, मतलब 50% वाइट फ्लावर थे, 50% अपने कैसे थे वॉयलेट फ्लावर अपने को यहाँ पर शो हुए थे इसके कैरेक्टर। ओके, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन जो पार्ट 4 आएगा उसमें मैं आपको जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, मैं अभी तो अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा है, और अपन डाईहाइब्रिड मतलब टू जीन्स को लेकर पूरी स्टडी करेंगे, जिसमें कि आपको इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और उसके जो भी एक्सेप्शन है, क्रोमोजोमल थ्योरी है, लिंकेज हैं, ये सब आपको मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, पार्ट 3 जो मेरा आएगा। ओके, थैंक यू।